सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन पूरे देश में जोर शोर से मनाया गया, ऐसे में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर भी दही हांडी फोड़ी गई। बॉलीवुड सेलेब सैफ और करीना के बेटे तैमूर ने जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर टंगे मटकी को अपने केयरटेकर की पीठ पर बैठकर फोड़ा। इस दौरान तैमूर व्हाइट टी शर्ट और हाफ पैंट के कैजुअल लुक में आए नजर। तैमूर के साथ सैफ के दूसरे हाउस मेंबर्स भी रहे मौजूद। आमिर खान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो बेटे के साथ दही हांडी फोड़ते नजर आ रहे हैं। आमिर ने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में बेटा आजाद पापा आमिर की पीठ पर चढ़कर दही हांडी फोड़ते दिख रहे हैं। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने भी इस मौके पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की। वीडियो में उनके बेटे वियान दही हांडी फोड़ रहे हैं। वीडियो में शिल्पा वियान का हौसला बढ़ाती नजर आ रही है। शिल्पा के पति राज कुंद्रा भी इस वीडियो में है। अनुष्का शर्मा ने अपने इंस्टा स्टोरी पर एक बिल्ली की तस्वीर साझा की है। फोटो में बिल्ली दूध पीती नजर आ रही है। इसके कैप्शन में अनुष्का ने लिखा, आज रात हमारे डिनर का गेस्ट। सोशल मीडिया पर ये फोटो जमकर वायरल हो रही है। दबंग 3 में सलमान के साथ काम कर रहे साउथ एक्टर किच्चा सुदीप ने नई तस्वीर इंस्टाग्राम में शेयर की है। इस तस्वीर में सुदीप और सलमान साथ में रेसलिंग करने की पोजीशन में खड़े हैं। फैंस के बीच दोनों स्टार्स की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। सफेद टी शर्ट और काली पैंट में सलमान मुस्कुरा रहे हैं, तो वहीं सुदीप ने भी सफेद टी शर्ट और क्रीम पैंट पहनी हुई है। फैंस सलमान की फिल्म सुल्तान को याद करते हुए सुदीप और उनके रेसलिंग मैच के लिए उत्साहित हो रहे हैं। इन दिनों शाहरुख खान नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज वॉर्ड ऑफ ब्लड को लेकर चर्चा में है। वेब सीरीज को लेकर पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता आसिफ गफूर ने शाहरुख खान पर निशाना साधा। उन्होंने शाहरुख को बॉलीवुड सिंड्रोम से ग्रसित बताया। वेब सीरीज बार्ड ऑफ ब्लड में ऐसे 3 भारतीय जासूसों की कहानी है जो एक रेस्क्यू मिशन पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जाते हैं। ट्रेलर में इसे सुसाइड मिशन बताया गया है। आम लोगों के साथ साथ बॉलीवुड सेलेब्स पर भी टिकटॉक फीवर छाया हुआ है। सिंगर नेहा कक्कड़ का नया टिकटॉक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें नेहा के अलग अलग अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। किसी में नेहा लोगों को हंसा रही हैं, तो किसी में नेहा की अदाएं बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। शायद रहूं या ना रहूं दिल भर, बदला कभी ये फैसला तुमने। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो हल्का हल्का सुरूर है ये जो पहला पहला सुरूर है। तेरा इश्क है या फितूर है, मैंने खुद को तुझ पे लुटा दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर पति अंगद बेदी के साथ मालदीव्स में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं। नेहा धूपिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने पति के साथ अपनी वेकेशंस की तस्वीरें शेयर की हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी सोशल मीडिया पर भी काफी पॉपुलर हैं। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उनके फॉलोअर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। खबर है कि इंस्टाग्राम पर सनी लियोनी के 25 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं, जिससे सनी काफी खुश नजर आ रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर पति अंगद बेदी के साथ मालदीव्स में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं। नेहा धूपिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने पति के साथ अपनी वेकेशंस की तस्वीरें शेयर की हैं। भारत ने एंटीगा में खेले गए पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज पर 318 रनों से जीत दर्ज की है। 419 रनों का लक्ष्य पार करने उतरी वेस्टइंडीज टीम सिर्फ 100 रन ही बना पाई। इस जीत में सबसे अहम भूमिका तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की रही। उन्होंने सिर्फ 7 रन देकर 5 विकेट लिए। ईशांत शर्मा ने 3 और मोहम्मद शमी ने 2 विकेट लिए। वेस्टइंडीज की ओर से केमल रोच ने सबसे अधिक 38 रन बनाए, जबकि मिगल कमिंस ने नाबाद 19 रन बनाए। वहीं रोस्टन चेस ने 12 रन बनाए थे। इन 3 बल्लेबाजों के अलावा वेस्टइंडीज का कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। चौथे दिन दूसरी पारी के दौरान भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। इंडियन टीम ने टी ब्रेक तक वेस्टइंडीज के 15 रन पर 5 विकेट चटका दिए थे। भारत ने ये 5 विकेट सिर्फ 8 ओवरों में चटकाए। भारत के 343 रन के स्कोर में अजिंक्य रहाणे की शतकीय पारी की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने 102 रन बनाए, जबकि हनुमा विहारी ने 93 और कप्तान विराट कोहली ने 51 रन बनाए।
भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने रचा इतिहास। पीवी सिंधु बनी वर्ल्ड चैंपियन, खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी पीवी सिंधु। फाइनल में जापान की ओकुहारा को 21-7 से हराया। सबसे बड़ा खिताब किया अपने नाम। यूपी के आईपीएस अधिकारी विजय ढुल यूपी पुलिस की ओर से डिस्कस थ्रो में चीन गए थे। यहां उन्होंने 18वें वर्ल्ड पुलिस गेम्स में डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता है। विजय ढुल 2012 में यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईपीएस चुने गए। विजय ढुल हाईटेक सिटी नोएडा में एसएसपी रह चुके हैं। मैच के दौरान टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ड्रेसिंग रूम के बाहर ईगो से जुड़ी एक किताब पढ़ते नजर आए। किताब पढ़ते हुए विराट कोहली को कैमरे ने कैद कर लिया। जल्द ही तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बवाल मच गया। विराट कोहली की इस तस्वीर के वायरल होने के बाद फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने तो उनकी और भारतीय महिला टीम के पूर्व कप्तान मिताली राज की फोटो एक साथ पोस्ट करते हुए कमेंट लिखा कि भारतीय कप्तानों में किताब पढ़ने का ट्रेंड जारी है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर चुके अंबाती रायडू ने रिटायरमेंट का अपना फैसला पलटते हुए कहा कि वो आईपीएल में जरूर खेलेंगे और भारतीय टीम के खेलने के लिए भी तैयार हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में जल्द से जल्द वापसी के लिए तैयारी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को कौन ना कहेगा। कर्नाटक प्रीमियर लीग में शिमोगा लायंस के खिलाफ 134 रन और 8 विकेट लेने वाले बेल्लारी टस्कर्स के कृष्णप्पा गौतम ने कहा कि ये उनके लिए जीवन भर के खेल में से एक रहा। उन्होंने बल्लेबाजी का ज्यादा लुत्फ उठाया या गेंदबाजी का, इस सवाल पर गौतम ने कहा, मैंने गर्लफ्रेंड की स्माइल को ज्यादा एंजॉय किया। यूपी के आईपीएस अधिकारी विजय ढुल यूपी पुलिस की ओर से डिस्कस थ्रो में चीन गए थे। यहां उन्होंने 18वें वर्ल्ड पुलिस गेम्स में डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता है। विजय ढुल 2012 में यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईपीएस चुने गए। विजय ढुल हाईटेक सिटी नोएडा में एसएसपी रह चुके हैं।